क्या बात है, अकेले बुला लिया? रोमांस कर रहे थे क्या? नहीं देव जी, देव जी आप जानते हैं ना कि मैं आप पर कितना भरोसा करती हूँ। और हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कि हम एक दूसरे से ना झूठ बोलेंगे ना कोई बात छुपाएंगे। दीदी अभी सरप्राइज है, सरप्राइज तो छुपाना ही होता ना, नहीं तो सरप्राइज कैसा होगा? नहीं नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रही। ठीक है देव जी, देव जी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। वो देव ने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया, और वो इसलिए क्योंकि क्योंकि इस कंपनी को तुम रिप्रेजेंट कर रही हो। मार्केट में सिर्फ एक रुपया कम रखना ये इत्तेफाक की बात नहीं है विधि। देव जी क्या आप ये टेंडर जानबूझकर मेरे लिए आ रहे हैं? देव जी क्या आप ये टेंडर जानबूझकर मेरे लिए आ रहे हैं? क्योंकि देव जी सिर्फ एक रुपए का फर्क है और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जय जी भी काफी अपसेट थे, उन्हें लग रहा था कि वो आपको हरा कर नहीं जीते, आप जानबूझकर हारे हैं मेरे लिए। बताइए ना आप जानबूझकर हारे? तो तुम्हें लगता है मैं ये सेलिब्रेट कर रहा हूं तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए कि तुम सच में जीती हो और मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? रायचंद इंडस्ट्रीज में कदम रखने से लेकर आज तक मैंने हमेशा ऊपर वाले से यही दुआ मांगी है कि तुम्हें जिंदगी में हर जगह बुलंदी मिले, काम में, फैमिली लाइफ में, हर जगह। अगर मुझे दिल से खुशी मिलती कि तुम जीतोगी दिल से, तो वो असली जीत होनी चाहिए ना। मैं कैसे खुश हो सकता हूं जब तुम जीती नहीं होगी? वो तो गलत होगा ना, मतलब मैं खुद को भी झूठ बोल रहा हूं और तुम्हें भी नीचा दिखा रहा हूं। दीदी आज तुम जीती सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम लोगों की बेड हमसे बेटर थी और तुम हमसे बेटर थी, दैट्स इट। और मैं हार गया, मैं हार सकता हूं यार, इसमें क्या है? नहीं हारा हूं मैं विधि, अपने गलत फैसलों की वजह से बहुत बार हारा हूं। रायचंद इंडस्ट्रीज हारा हूं अपने गलत फैसलों की वजह से। रायचंद मैंशन हमारे हाथ से निकल गया मेरे गलत फैसले की वजह से। ऐसा नहीं कि मैं गलत फैसले ले सकता, ले सकता हूं दीदी। मैं अपने काम में कभी बेईमानी नहीं करता। मैं तुमसे मिला हूं आज एक कंपेटिटर की तरह, और फ्यूचर में भी कभी मिलूंगा तो मैं कह रहा हूं पूरी जान लगा दूंगा ताकि तुम्हें हरा सकूं। इस बार जीत गई हो, क्या पता अगली बार मैं जीत जाऊंगा, इसमें ग्रांटेड मत लेना मुझे। वो जय जी ने कहा तो पता नहीं एक पल के लिए, लेकिन मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुझे मेरी काबिलियत पर शक हो, जिससे मुझे नीचे देखना पड़े। सॉरी। तुम्हारी जीत सच्ची है, मेरा तुम पे गर्व सच्चा है, ये सेलिब्रेशन सच है, और हर बार जब तुम जीत के आओगी ना तो मैं पार्टी करूंगा। Because I love you. I love you too. धीरे धीरे समझ में आ रहा है जय कि तुम्हारे इरादे उतने नेक हैं नहीं जितने तुम दिखाते हो। मैं तुम्हारे असली इरादे जान के रहूंगा। ना उम्र की सीमा हो, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे स्टार भारत पर।